sorry to say, but I hated Islam. And the reason was because, like you said, because of the Muslims that I had dealt with. I mean, I feel that since we are talking about how to, you know, do the da'wah to non-Muslims, it's very difficult. I mean, we criticize Westerners so much. We do that. Whatever you said about rapes and all those things, it occurs in Muslim countries. I mean, Middle Eastern countries, it might not be reported that much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Nazreen. दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप मगरिब के इस्लाम से मुतालिक तसव्वुर की बात कर रहे थे तो मेरा भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा है। मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मगर इस्लाम कबूल करने से पहले मैं इस्लाम से नफरत करती थी और इसकी वजह यह थी कि मैं जिन मुसलमानों से मिली थी वो बहुत बुरे थे और इस्लाम के बारे में जो कुछ मैं सुनती रहती थी वो भी बहुत ही भयानक था। अब मुझे एहसास हुआ है कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, ये वाकई एक सच्चा रास्ता है और मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के बारे में किसी को भी कोई भी बुरी बात कहनी चाहिए, मगर वहीं हमें मगरिब पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। जैसा कि आपका कहना था कि मगरिब में रेप, चोरी, डकैती वगैरह होती है, फहाशी आम है, होगी कुछ जगहों पर, मगर हमें उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। दूसरे ममालिक में भी रेप होते हैं मगर वो रिपोर्ट नहीं होते। आपने भी अपनी तकरीर में जो हवाले दिए इसमें आपने बहुत ही सख्त बातें की। इस्लाम को एक सख्त मजहब के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगु में बार बार कहा, पाकीजा औरत, पाकीजा बीवी, ये सुनकर कोई भी मगरबी शख्स कहेगा कि ये बहुत ही सख्त मजहब है। मैंने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के हक में बहुत अच्छे थे। आप घर के कामों में उनका हाथ बटाते थे, उनकी मदद करते थे। फिर क्यों ऐसा होता है कि हम जब भी किसी मुसलमान आलिम को सुनते हैं या कोई इस्लामी किताब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा होता है कि अच्छी बीवी कैसे बना जाए? क्यों मर्दों को नहीं सिखाया जाता कि अच्छा शौहर कैसे बने? हर हिदायत में खवातीन को ही ताकीद की गई। इसीलिए मगरबी औरतें सोचती हैं कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है। नाज़रीन, ये सवाल एक ऐसी खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी मगर इससे पहले उसके इस्लाम से मुतालिक बहुत ही सख्त ख्यालात थे। वो एतराफ करती है कि उसके जहन में जो इस्लाम था वो बहुत ही पाबंद करने वाला था, खासतौर पर औरतों के फराइज से मुतालिक बहुत ही सख्ती के साथ ताकीदें की गयी थी जिससे वो इस्लाम से दूर भागती थी, मगर जब हक की रोशनी मिली तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और साथ ही ये तजवीज दी कि औरतों के फराइज बताने से पहले औरतों के हुकूक बताने चाहिए, क्योंकि मगरिब जब सिर्फ फराइज सुनता है तो उसको लगता है कि इस्लाम पर अमल करना नामुमकिन है। इसकी इस तजवीज और तमाम एतराजात का डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, आपको ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। नाज़रीन, पहले आप इस खातून का सवाल सुन लीजिए। About the Westerners just now, right? And I am a convert or revert in your words. And before I converted, I had a very bad picture about Islam. I mean, I sorry to say, but I hated Islam. I was told that Rasulullah had, you know, like he gave equal hand in helping his wife in housework and all those things. But why do we only have books on how to be a good wife? Why don't we ever have lectures or anything on how to be a good husband? इस खातून को जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो इस्लाम कबूल करने पर उस खातून को मुबारकबाद दी, फिर कहा कि मैं इस चीज पर बेशुमार लेक्चर दे चुका हूँ कि मगरिब को इस्लाम से मुतालिक क्या क्या गलत फहमियाँ हैं। आपने बहुत हक बात की कि हमें दूसरे मजाहिब पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी ये अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हैं उन्हें बुरा न कहो वरना वो बेसमझी में ज्यादती करके अल्लाह को बुरा कहेंगे। इस तरह हर एक जमात की नज़र में उनके अमाल को हमने आरास्ता कर दिया है, फिर इन सब को अपने रब की तरफ लौट कर आना है, तब वो उन्हें बतलाएगा जो कुछ वो किया करते थे। और कुरान सूरह असला में ये भी कहता है, और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। और हम कुरान में ऐसी चीजें नाजिल करते हैं कि वो ईमानदारों के हक में शिफा और रहमत हैं और जालिमों को इससे और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, आपने कहा कि मैंने मगरिब पर तनकीद की जिसमें मैंने मगरिब पर फहाशी और उरियानी का इल्जाम लगाया। बहन, तनकीद वो होती है जो बगैर किसी सबूत के की जाए। मैंने तो अमरीकी सरकारी सर्वे के नतज बताए। अगर अमरीकी ही अमरीकियों पर तनकीद करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ उनके कहे और लिखे को दोहरा रहा हूँ, तो आप मुझ पर इल्जाम क्यों दे रही हैं? तनकीद वो होती है कि एक नुक्ता उठाकर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना जिसमें हकायक जरा भी ना हो, और ये काम मगरिब इस्लाम के बारे में करता है। मैंने FBI की रिपोर्ट दी, गैर मुस्लिमों ने जो रेप के अदाद शुमार बताए मैंने उन अदाद शुमार को आपके सामने रखा। मैं सिर्फ सर्वे बता रहा हूँ,
और अमरीकी भी ये बात नहीं कह सकते कि जाकिर हम पर तनकीद कर रहा है, क्योंकि मैं तो उनकी कही बात को ही दोहरा रहा हूँ। आपने कहा कि दूसरे ममालिक में भी रेप होते हैं मगर किसी को पता नहीं चलता, तो बैन मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगा। रेप मगरब में ज्यादा होते हैं और वहीं पर रिपोर्ट नहीं होते। रेप मगरब में इतनी मामूल की बात है कि कोई इसको रिपोर्ट करना मुनासिब ही नहीं समझता। मैं मगरब में गया और हैरान रह गया कि वहाँ पर रेप के वाकयात इक्का दुक्का ही थे। असल बात सर्वे में सामने आई जिसमें बताया गया कि रोजाना कितने हजार रेप मगरब में होते हैं और थानों में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। दूसरे ममालिक में अगर रेप हो जाए तो वो मगरब में हेडलाइन बन जाती है। आप ये कहने में हक बजानिब हैं कि कई इस्लामी ममालिक में भी रेप के वाकयात होते हैं, मगर ये वहाँ होते हैं जहाँ पर इस्लामी शरीयत नाफिज नहीं। सबसे कम ज्यादती के वाकयात सऊदी अरब में होते हैं। तमाम जराइम सऊदी अरब में सबसे कम है क्योंकि वहाँ शरीयत नाफिज है। You know, it is so common. Rape is so common, it's not worth reporting. I've been to West, hardly I read any cases of rape. It is so common, it's a day-to-day life. It's not reported, sister. If it's reported in news brief, if a rape takes place in other countries, headlines. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने दूसरी बात की कि इस्लाम के मगरब में बात हो तो समझा जाता है कि अपनी तालीमात में इंतहाई सख्त है, क्योंकि ये इनके लिए मुश्किल है। बहन, ये मुश्किल तो है मगर दावत तो फिर भी सच्चाई को ही देनी है, तो क्यों इनको इस्लाम के बारे में झूठ बताकर इस्लाम की तरफ रागिब करें। गैर मुस्लिमों को हिकमत के साथ अपनी तरफ बुलाने की तलकीन की गई है। अगर आप किसी ईसाई से कहें कि वो तसलीस पर यकीन न करे तो बेशक ये बातें इनसे इंतहाई नरमी से की जाएं। इनको इसका बुरा जरूर लगेगा। जब आप किसी शख्स की गलती उसको बताते हैं तो उसको बुरा मनाना लाजिम है। See, when you take out the faults of a person, the best way you say he's bound to feel hurt. When I tell a Christian, why do you worship Jesus Christ? Even if I say with love and care, he's bound to feel hurt. So I have to say in the best way, which is acceptable, but he's bound to feel hurt. Not that I'm going out of the way to insult them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल का भी जवाब दिया कि जिसमें उस खातून के फराइज पर बार बार तलकीन की बात की थी। तो बहन, आपको मेरा वो लेक्चर सुनना चाहिए जिसमें मैंने खवातीन के हुकूक की बात की थी, और जब मैंने वो लेक्चर दिया तो मर्द मुझसे कहने लगे कि आप मर्दों के हुकूक की बात कब करेंगे। मुसलमान आलिम जब हिजाब की बात करते हैं तो वो औरतों के हिजाब से मुतालिक हिदायत देते हैं, मगर जब अल्लाह ताला हिजाब की बात करता है तो वो मर्दों को हिजाब का कहता है, और मर्दों का हिजाब निगाहें नीची रखना है। दूसरे आलम क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, मैं इनकी तरफ से जवाब नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम मर्दों और औरतों की बराबरी की बात करता है। मर्द और औरतें बराबर हैं मगर एक जैसे नहीं हैं। इनके माशरती, खानदानी, समाजी और सियासी हुकूक अलग अलग बताए गए हैं। अगर आप मर्दों और औरतों की बराबरी को मगरिब की नज़र से देखें तो आपको पता चलेगा कि मगरिब जो औरत की आज़ादी का प्रचार करता है वो असल में औरत की जिल्लत, रुसवाई, इज्जत और एहतराम का सामान करता है। मगरिब औरत की आज़ादी के नाम पर उसकी तौहीन करता है और ये इसको आर्ट और कल्चर का नाम देते हैं। मर्द और औरत बराबर हैं मगर एक जैसे नहीं का मतलब ये है कि इनके हुकूक बराबर हैं मगर कई ऐसे काम हैं जो मर्द कर सकते हैं और औरतें नहीं, और कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ औरतें कर सकती हैं, मर्द नहीं। मर्द नहीं कह सकता कि मैं बच्चे को जन्म दूंगा, मेरा जिस्मानी निजाम ही अलग है, माँ का रुतबा सिर्फ औरत के लिए है। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरी मोहब्बत के सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा इसके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। इसने पूछा इसके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। जब इसने चौथी मर्तबा सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। इसका मतलब है कि औलाद की 75% मोहब्बत और देखभाल एहतराम की हकदार माँ है और फिर बाप। ये इस्लाम की तालीमात है। I cannot say, oh, mother gets so much respect, so I also want to give birth to a child. I can't. So men and women, as I said, are overall equal, but they aren't identical. Dr. Zakir Naik ka kehna tha ki Allah Taala ne auraton ko jo izzat bakhshi, wo kisi aur mazhab mein nahi. बहन, इस्लाम को मुसलमानों के अमाल से ना परखें। अगर आपको किसी मुसलमान को देखकर ही सीखना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखें। उम्मत आला और अरफा और गलतियों से पाक नहीं, मगर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पाक है। मौशे में काली भेड़े मौजूद हैं। हमें गलत लोगों की मिसाल नहीं लेनी चाहिए बल्कि हमें अच्छे लोगों को देख कर उनकी मिसाल लेनी चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।